अच्छा ये कार में एक साइड रखने रूस और इंडिया को और एक साइड तुर्की और पाकिस्तान। बिल्कुल हमारी दोस्ती तो चाइना से भी है। चाइना पाकिस्तान और रूस इंडिया का भी कंपैरिजन हम क्लास करेंगे। हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आर रिएक्शन पे आपको कहते हैं वेलकम। मैं हूं आरजे फखत मीर और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद मीर, अदनान मीर। और गाइस उम्मीद करते हैं आप फिट फॉर एवन, हंसते मुस्कुराते खुशियां बांटते बिखेरते और अपनी जिंदगी के कामों में रवा दवा होंगे। और गाइस एक छोटी सी आज आपके लिए वीडियो और लेके आए जिसपे हम करने वाले हैं रिएक्शन। कंपेरिजन है किस किस का है जी सर? कंपेरिजन है रूस इंडिया पाकिस्तान और तुर्की का, और ये मुख्तलिफ किस्म के कंपैरिजन इसमें होंगे। मिलिट्री का होगा, जीडीपी, ये जिस तरह भी जितनी भी चीजें हम वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा मुल्क आगे है, कौन सा पीछे है और कौन सा जो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन आप प्रेस करेंगे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल जाएगी। सो गाइस करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंपैरिजन सीरीज के एक नए वीडियो में। और आज हम भारत और रूस, दो बहुत ही गहरी दोस्ती रखने वाले देशों की कंपैरिजन करने वाले हैं। पाकिस्तान और टर्की। अच्छा ये कार में एक साइड रखने रूस और इंडिया को और एक साइड तुर्की और पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले फ्रेंडशिप के आधार पर हमारी दोस्ती तो चाइना से भी है, मुख्तलिफ लोगों से हमारी। बिल्कुल ये बात जरूर है, ये फिर वक्त बनता था चाइना और पाकिस्तान। जरूर सब्सक्राइब करें जी, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जरूर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चाइना पाकिस्तान और रूस इंडिया का भी कंपैरिजन हम क्लास करेंगे। करते हैं कैपिटल की दोस्तों, रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। वही टर्की की कैपिटल है अंकारा और टर्की के प्रेसिडेंट है रिसेप टाइप एर्डोगन। और पाकिस्तान की कैपिटल पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान। पॉपुलेशन दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो रूस की पॉपुलेशन है 14,67,00,000 के करीब और रूस की आबादी इससे बहुत ज्यादा भी है ना, 1.87% है। और भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है और भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। और अगर भारत और रूस की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये लगभग 150 करोड़ होता है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 19% होता है। वही टर्की की पॉपुलेशन है 8 करोड़ और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 21 करोड़। और पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। और अगर टर्की और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 30 करोड़ होता है, जो कि पूरे विश्व की आबादी का लगभग 3.83% होता है। जीडीपी दोस्तों, जीडीपी की अगर बात करें तो रूस की नॉमिनल जीडीपी है $1.6 trillion, जो कि दुनिया में 11वीं पोजीशन पर आता है। वही पीपीपी के मामले में भी रूस की जीडीपी $4.3 trillion है, जो कि पूरी दुनिया में 6वें स्थान पर आता है। और भारत की नॉमिनल जीडीपी है $3.2 trillion और भारत दुनिया की 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। वही पीपीपी के मामले में भारत की जीडीपी बढ़कर $12.3 trillion हो जाती है, जो कि पूरे विश्व में 30वें स्थान पर आता है। और अगर भारत और रूस की नॉमिनल जीडीपी को मिला दिया जाए तो दोनों देशों की टोटल जीडीपी $4.8 trillion होता है। वही टर्की की नॉमिनल जीडीपी $743 billion है और टर्की दुनिया में 19वीं पोजीशन पर आता है। वही पीपीपी के मामले में टर्की की जीडीपी बढ़कर $2.3 trillion हो जाती है, जो कि पूरी दुनिया में 13वें पोजीशन पर आता है। और पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी $284 billion है और पाकिस्तान दुनिया में 42वीं पोजीशन पर आता है। वही पीपीपी के मामले में पाकिस्तान की जीडीपी बढ़कर $1.2 trillion हो जाती है, जो कि पूरे विश्व में 24वीं पोजीशन पर आता है। और अगर दोनों देशों की नॉमिनल जीडीपी को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग $1 trillion होता है। फॉरेन रिजर्व्स दोस्तों, फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें तो रूस की टोटल फॉरेन रिजर्व है
$542 बिलियन और भारत की टोटल फॉरेन रिजर्व है $487 बिलियन यानी कि दोनों देशों की फॉरेन रिजर्व को अगर मिला दिया जाए तो ये लगभग $1 ट्रिलियन होता है। वही टर्की की टोटल फॉरेन रिजर्व है $104 बिलियन और पाकिस्तान की टोटल फॉरेन रिजर्व है $12.7 बिलियन और अगर दोनों देशों की फॉरेन रिजर्व को मिला दिया जाए तो यह लगभग $112 बिलियन होता है। आर्मी दोस्तों, चारों देशों की स्थल सेना की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार रूस के पास 113,000 एक्टिव पर्सनल और 20,00,000 के करीब रिजर्व पर्सनल मौजूद है। वही रूस के पास 12,950 कॉम्बैट टैंक्स, 2738 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 6,083 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,465 डुएल आर्टिलरी और 3,860 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। और भारत के पास करीब 14,00,000 एक्टिव पर्सनल और 21,00,000 के करीब रिजर्व पर्सनल मौजूद है। वही भारत के पास 4,292 कॉम्बैट टैंक्स, 8,686 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टोएड आर्टिलरी और 266 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। और अगर दोनों देशों की लैंड फोर्सेस को मिला दिया जाए तो 34,00,000 एक्टिव पर्सनल और 41,00,000 रिजर्व पर्सनल होते हैं। वही दोनों देशों के पास 17,242 कॉम्बैट टैंक्स, 35,724 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 6,318 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 8,525 टोएड आर्टिलरी और 4,126 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। वही टर्की में 3,55,000 एक्टिव पर्सनल और 3,80,000 रिजर्व पर्सनल है। वही टर्की के पास 2,622 कॉम्बैट टैंक्स, 8,787 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 1,278 आर्टिलरी, 1,260 टोएड आर्टिलरी और 438 रॉकेट लॉन्चर्स है। 6,54,000 एक्टिव पर्सनल और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं पाकिस्तान के पास 2,200 कॉम्बैट टैंक्स, 3,665 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 429 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,226 टोएड आर्टिलरी और 100 रॉकेट लॉन्चर्स है। यानी कि दोनों देशों के लैंड फोर्सेस को अगर मिला दिया जाए 10,09,000 एक्टिव पर्सनल और 9,30,000 रिजर्व पर्सनल होते हैं। वही दोनों देशों के पास 4,822 कॉम्बैट टैंक्स, 12,442 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 1,707 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,433 टोएड आर्टिलरी और 538 रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। एयरफोर्स दोस्तों, चारों देशों की वायुसेना की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार रूस के पास टोटल 4,163 युद्धक विमान है और रूस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। रूस के पास 873 फाइटर एयरक्राफ्ट, 742 अटैक एयरक्राफ्ट, 1,522 हेलीकॉप्टर्स और 501 मौजूद है। वैसे बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है भारत के पास। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। भारत के पास 538 फाइटर एयरक्राफ्ट, 172 अटैक एयरक्राफ्ट, 250 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। और अगर दोनों देशों को वायुसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास लगभग 6,286 युद्धक विमान होते हैं, जिनमें 1,411 फाइटर एयरक्राफ्ट, 914 अटैक एयरक्राफ्ट, 674 ट्रांसपोर्टर्स, 2,244 हेलीकॉप्टर्स और 554 अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वहीं टर्की के पास लगभग 1,055 युद्धक विमान है और टर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। टर्की के पास 206 फाइटर एयरक्राफ्ट, 0 अटैक एयरक्राफ्ट, 80 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, 457 हेलीकॉप्टर्स और 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। और पाकिस्तान के पास लगभग 1,342 युद्धक विमान है और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। पाकिस्तान के पास 356 फाइटर एयरक्राफ्ट, 90 अटैक एयरक्राफ्ट,
49 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, 346 हेलीकॉप्टर्स और 56 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। और अगर इन दोनों देशों की वायुसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास लगभग 2397 युद्धक विमान होते हैं, जिनमें 562 फाइटर एयरक्राफ्ट, 90 अटैक एयरक्राफ्ट, 129 ट्रांसपोर्टर्स, 843 हेलीकॉप्टर्स और 156 अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेवी की। दोस्तों, चारों देशों की नौसेना की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार रूस के पास 603 नेवी शिप्स है और रूस विश्व के तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 फ्रिगेट्स, 16 डिस्ट्रॉयर्स, 79 कॉर्वेट्स, 62 सबमरीन, 41 पेट्रोल वेसल्स और 48 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और भारत के पास 285 नेवी शिप्स है और भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा नौसेना है। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 19 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन, 139 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और अगर दोनों देशों की नौसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास 888 नेवी शिप्स होते हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 23 फ्रिगेट्स, 26 डिस्ट्रॉयर्स, 98 कॉर्वेट्स, 78 सबमरीन, 180 पेट्रोल वेसल्स और 51 माइन वॉरफेयर होते हैं। वहीं टर्की के पास 149 नेवी शिप्स है और टर्की की नौसेना दुनिया के 10 सबसे बड़े नौसेना में शामिल नहीं है। टर्की के पास ना ही किसी प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे युद्धपोत और ना ही कोई भी डिस्ट्रॉयर मौजूद है। टर्की के पास 16 फ्रिगेट्स, 10 कॉर्वेट्स, 12 सबमरीन, 35 पेट्रोल वेसल्स और 11 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और पाकिस्तान के पास 100 नेवी शिप्स मौजूद है। और पाकिस्तान भी टर्की की तरह ही दुनिया की 10 सबसे बड़ी नौसेना में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के पास भी ना ही किसी प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर और ना ही कोई भी डिस्ट्रॉयर मौजूद है। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स, 2 कॉर्वेट्स, 8 सबमरीन, 12 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और अगर दोनों देशों की नौसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास 249 नेवी शिप्स होते हैं, जिनमें 25 फ्रिगेट्स, 12 कॉर्वेट्स, 20 सबमरीन, 47 पेट्रोल वेसल्स और 14 माइन वॉरफेयर होते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत और रूस के साथ टर्की और पाकिस्तान का एक छोटा सा कंपैरिजन। और आप अगला कौन सा वीडियो? बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन ये इस तरह नहीं बनता। एशिया का कंपैरिजन हो रहा था, यहाँ भी हमारा दोस्त कौन है? चाइना और पाकिस्तान को रखना था तो रूस और बैलेंस हो रही थी चीजें थोड़ी बहुत, लेकिन लेकिन यहाँ पे भी मसला ये था कि चाइना और रूस भी, रूस से ज्यादा चाइना तकरीबन मेरा ख्याल है इंडिया से ज्यादा, नहीं इंडिया से ज्यादा रूस और चाइना आपस में फ्रेंड्स। अच्छा, ये बात है, वीडियो बनाई है उसने ये सोच के, मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ, इसमें एक दो चीजें मैंने देखी है कि जो तुर्की है, तुर्की वैसे तो तुर्की के खेते से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका डिफेंस की बात करें तो माशाल्लाह काफी स्ट्रांग डिफेंस तुर्की का भी है। और जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है ना, सही है, उस मकसद के से तुर्की हमारे साथ यहाँ पे इस वीडियो में बनता ही नहीं, बनता नहीं ये बात, ये चाइना बनता था, तो फिर हम देखते कि क्या बनता है, लेकिन फिर भी अच्छा कंपैरिजन था और चीजें बहुत सारी पता चली है, हमें नॉलेज में इजाफा हुआ है। लेकिन ये है कि कंपैरिजन जो है वो पाकिस्तान चाइना और रूस और इंडिया का होता तो फिर हम देखते कि क्या होता है। वैसे आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त थी, और क्या ख्याल है आपको इस कंपैरिजन में? ऑलरेडी फिर इंडिया के एक बड़ा मुल्क है और रूस एक ताकतवर मुल्क रहा है, अब भी ये है, सुपर पावर भी रहा है, पावर रहा है, तो ये जो कंपैरिजन होना था इसमें तो वो आगे रहे नहीं थे, वो आगे इसमें कुछ ये लेवल तब होता कि चाइना पाकिस्तान होते और रशिया और इंडिया होते, तो फिर चलो हम इसको बात कर लेते बहरहाल फिर भी ये बात मानने की, ये बात चले, हमें ये पता चल गया कि तुर्की के पास कौन कौन सी चीजें कितनी है, रशिया के पास कितनी है, इंडिया के पास कितनी है, पाकिस्तान के पास कितनी है, कितनी है। और थोड़ा सा ये भी पता चल गया कि जो पाकिस्तान जो है, जो इंडिया है, इंडिया के पास जो नेवी जिसकी बात करते हैं समुद्र में, वो ज्यादा स्ट्रांग है चाइना तुर्की से भी और पाकिस्तान से भी, अगर उस तरह कंपेरिजन करें।
मेन चीज ये होती है मिशनरी जिसके पास जो भी हो उसके पीछे चलाने वाला जो होता है ना हौसले 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 से जीती जाती है ना कि हथियारों से। बरल जंग होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिसके पास जिगरा है वो जंग जीतता है। गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। सो गाइस इसी के साथ चाहेंगे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।